क्या ये जन संवाद है या जद्दू संवाद है? ये तो मुझे तो सरासर लग रहा है ये तो जद्दू संवाद है, ये जन संवाद थोड़ी ना है। सिर्फ जद्दू कार्यकर्ता से मिलेंगे, जनता की समस्याओं को नहीं सुनेंगे। ये बताइएगा यहाँ पे पत्रकार अति है, बैन है ना, तो हम अंदर नहीं आ रहे, अंदर नहीं आ रहे, बाहर कर दिया ना, जो जनता है अंदर जा कौन रहा। जैसा कि आपको बता दें कि बिहार शरीफ के स्मार्ट सिटी अंतर्गत बना टाउन हॉल में आज माननीय नीतीश कुमार जी का आगमन होने वाला है। कुछ ही देर में यहां पे आगमन होगा। उससे पहले कि आपको बता दें, यहां पे जनता लोगों की एंट्री होनी शुरू हो चुकी है। यहां पे बहुत लोगों का समस्या ये आ रहा है कि उन लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। कितने लोग तो ये बता रहे हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं लोग जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं सिर्फ उन्हें ही एंट्री मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी खड़े हैं यहाँ पे, आपको अभी उनसे रूबरू करवाता हूँ, क्या क्या समस्या आ रही है उन्हें सब कुछ आपको बताता हूँ। आज हम लोग मुख्यमंत्री से जनसंवाद यात्रा पे, जब मुख्यमंत्री बिहार तक आए तो हम लोग सोचे कि अपनी समस्याओं को लेकर, जो हमारे क्षेत्र में समस्याओं हो उसको लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाहे, मगर यहाँ पे हम लोगों को मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो इस ये नीतीश जी बताएं या जदयू के जो जिला के नेता हमें लोग हैं वो बताएं, ये जनसंवाद यात्रा में अगर आप जदयू के मुख्यमंत्री हैं या फिर पूरे बिहार की जनता के मुख्यमंत्री है, जो हम लोगों को मिलने से रोका जा रहा है, आपको क्या कारण है कि आप लोग अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? हमें बताया गया कि आप कांग्रेस के नेता हैं इसलिए आप नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ पे जदयू के लोगों से सिर्फ मिलेंगे और जनसंवाद करेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पे टाउन हॉल के पास, यहाँ पे टाउन हॉल में एंट्री हो रहा है, यहाँ पे अंदर में सब लोग मुख्यमंत्री साहब आने वाले हैं, तो इनको एंट्री नहीं दिया जा रहा है जी। तो आप कांग्रेस के नेता इसलिए आपको नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जदयू के नेता को एंट्री दिया जा रहा है, मिल रहा है। ये किस तरह का जन संवाद है मुख्यमंत्री का, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये जन संवाद है या जदयू संवाद है? ये तो मुझे तो सरासर लग रहा है ये तो जदयू संवाद है, ये जन संवाद थोड़ी ना है। सिर्फ जदयू कार्यकर्ता से मिलेंगे, जनता की समस्याओं को नहीं सुनेंगे। पूरे बिहार शरीफ में हम लोग जिस समस्या को लेकर आए हैं, बिहार शरीफ का रोड जो नए सराय से हिमाचपुर की तरफ जाती है, उस रोड की स्थिति स्मार्ट सिटी नहीं है, स्मार्ट सिटी नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद फवाद अंसारी, युवा नेता कांग्रेस के। कुमार, ग्राम लोधीपुर, जिला नालंदा, बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ। आज हमारे साथ बहुत परिस्थितियाँ हैं, हमारे ब्लॉक में हमें सरकारी उपकरण से वंचित रखा गया है आज तक, और जो इंदिरा आवास जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो हमें मिलनी चाहिए वो आज तक नहीं मिला है। तो सर, मैं आपसे पूरी जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा विडम्बना है कि जो हमारे ऐसे आदमी को इस तरह से लाभ होनी चाहिए, जो कि मैं आज दरखास्त देने के लिए नीतीश बाबू को मैं आया हूँ, जो कि प्रशासन द्वारा आज हमें नहीं एंट्री लिया जा रहा है। काफ़ी मना कर रहा है आपको जी? तो ये नीतीश कुमार जो है जन संवाद में आया है ना जी, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है प्रशासन को? प्रशासन को बोल रहे हैं कि नहीं, एंट्री नहीं दिया जाएगा आपको। तो जन संवाद में तो जन ही जाएगा ना, और कौन जाएगा? हम नहीं जा सकते सर। क्यों, आप जन नहीं हैं? वही तो बोल रहे हैं। आपने क्वेश्चन किया उनसे कि हम जन तो हैं? हमने सारी बातें रखी है प्रशासन को। एप्लीकेशन दिया हूँ। दिए मिलना आपको? हाँ, सिर्फ मिलना है सर। जैसा कि आपको बता दें, यह बता रहे हैं विकलांग है पैरों से, ठीक है, लेकिन इन्हें भी एंट्री नहीं दे रहा है। अपनी समस्या माननीय मुख्यमंत्री जी से बताना चाहते हैं, लेकिन इनकी समस्या नहीं, हम मिलना चाहते हैं सर, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम उनकी बातों, उनके पास बातों, अपनी बातों को रखें, उनकी मैं अपनी बातें को उनके पास रखूंगा। आपको यह बता दें कि यहाँ पे जब जनता को ही एंट्री नहीं मिल रहा है तो मुख्यमंत्री साहब मिलेंगे किनसे? आता हूँ उस प्रशासनों से, यह कैसी विडम्बना है आपकी कि हमारे ऐसे आदमी को नहीं एंट्री कर रहे हैं, या कहाँ तक सही है इसका जवाब आप दें। यहाँ पे एंट्री क्या सिर्फ जदयू के नेताओं का या फिर जो जन है उनका भी होगा? ये विकलांग लोग हैं, कहाँ बैठेंगे? जब मुख्यमंत्री आएंगे तो यहाँ पे चिल्लाने, एक विकलांग नहीं बैठा हुआ, देखो मेरी बात बैठा वाला आवेदन कहाँ तुम्हारा आवेदन सर? देखिए मिलना आवेदन थोड़े इधर नहीं मिले,
ये बताइएगा यहाँ पे पत्रकार अथी है बैन है ना, तो हम अंदर ही आ रहे हैं, अंदर नहीं आ रहे, बाहर कर दिया ना, जो जनता है उनसे हम इसलिए मिले वहाँ माने मुख्यमंत्री जी हैं और हमें स्कूटर की आवश्यकता ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, उसे चलाकर सामान ढो करके ला सकें। तो यहाँ पे टाउन हॉल में उनका एंट्री आगमन होने वाला है थोड़ी देर में, तो क्या आपको एंट्री नहीं दिया जा रहा है? अभी तक तो बाहर खड़ा है, देखिए कितना देर में आते हैं तो एंट्री मिलता है। किसी से बात किया आपने? हाँ, वहाँ गेट पर बोले कि थोड़ा देर में आना। प्रशासन से बात किया आपने? हाँ, वहाँ गेट पर बोला था वो। क्या बोल रहे हैं? बोला कि थोड़ा देर में आना, अभी एंट्री होगा। हाँ होगा, यहीं पे रहना। तो जब वो आएंगे तब फिर एंट्री होगा? अब देखिए, अगर एंट्री पहले से होना शुरू हो चुका है, बाद में आपका एंट्री? अब बोला तो नहीं, तो इसलिए तो बाहर खड़ा है। बाहर आने के बाद आपको हटा दिया जाएगा? आपने बताया कि जिनका पैर भी है उन्हें ही सिर्फ एंट्री दिया।